बिहार में फिर से बड़ा धमाका, फिर दहल गया एक शहर। देखते ही देखते एक मकान जमींदोज हो गया। इस बार एक व्यक्ति की जान गई है, लेकिन पहली नजर में वही पुराने कारण बताए जा रहे हैं। पटाखे से ऐसा हो गया, पटाखे से वैसा हो गया। इसे लेकर पुलिस वाले टेंशन में आ गए हैं, उनके माथे पर बल पड़ गया है। एफएसएल जांच शुरू हो गई है, लेकिन सवाल अब वही है कि बिहार कब तक इस तरह पटाखे के नाम पर दहलता रहेगा, पटाखे के नाम पर कब तक यह सब होता रहेगा। लेकिन पुलिस का ही मानना है कि पटाखे से पूरा मकान जमींदोज नहीं हो सकता। दरअसल आज जो धमाका हुआ है वो गोपालगंज का मामला है। पहले आपको पूरी घटना बताते हैं। गोपालगंज में आज दिन दहाड़े जोरदार धमाका हुआ। आवाज होते ही लोग इधर उधर भागने लगे। पहले तो कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था, लोग सहमे हुए नजर आ रहे थे। बाद में कोई इसे बम ब्लास्ट बता रहा था, तो कोई पटाखा से धमाके की बात कह रहा था। आपको पता ही है कि पुलिस तो जांच के बाद ही कुछ कहती है। यह धमाका फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि एक मकान देखते ही देखते ढह गया, पूरा मकान जमीन पर आ गया। इसमें 55 साल के हलीम मियां की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की वजह से उनके शव के चिथड़े उड़ गए। इसमें कई लोग घायल भी हुए, एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल अख्तर अली को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए 5 थानों की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने अलग अलग जगहों से शव के टुकड़ों को बरामद किया और उसे बोरी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ ही एसपी आनंद कुमार भी पहुंच गए। एसपी भी मान रहे हैं कि यह बम धमाका हो सकता है। पुलिस जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के अलावे पटना से भी एफएसएल की टीम पहुंच गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। एक एक बिंदु पर जांच करने की बात अधिकारी कह रहे हैं। यह तो हुई गोपालगंज की बात। अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, महज 6 दिन पहले भागलपुर में इसी तरह का भीषण धमाका हुआ था। उसमें तो 4 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए थे। वहां भी पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की कमान अपने हाथ में ली। इसके बाद एटीएस को भी जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई। भागलपुर में भी एफएसएल की टीम जांच कर रही है। हालांकि भागलपुर ब्लास्ट का दायरा अब काफी बढ़ गया है, उसमें टेरर कनेक्शन के सुराग मिले हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद आजाद ने 2 दिन पहले सरेंडर कर दिया है। घर के बगल से बरामद कुकर बम ने तो पुलिस प्रशासन के होश ठिकाने लगा दिए हैं। इसके तार झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से जुड़े रहे। पुलिस की ओर से गठित एसआईटी की टीम जल्द ही संबंधित राज्यों में जाने वाली है। आपको बता दें कि भागलपुर ब्लास्ट मामले में अब तक 15 लोगों की जान गई। 14 लोगों ने तो उसी दिन दम तोड़ दिया था, जबकि एक की मौत बाद में इलाज के दौरान हुई। भागलपुर के बाद 6 दिन के बाद गोपालगंज में हुए धमाके ने फिर से पुलिसिया सिस्टम पर सवाल उठा दिए। दरअसल पिछले 1-2 साल में इस तरह की कई घटनाएं हुई है। बांका, सिवान, दरभंगा की घटनाएं तो आपको याद होंगी ही। दरभंगा ब्लास्ट के तार तो हैदराबाद से जुड़े हुए थे। भागलपुर में ब्लास्ट की घटना कोई नई बात नहीं है। वहां तो कूड़े के ढेर पर भी इस तरह के ब्लास्ट में कई बच्चों की मौत हुई है। यही नहीं, भागलपुर में टाइम टू टाइम टिफिन बम से लेकर केन बम, सुतली बम मिलते रहते हैं। जबकि बांका जिले के एक मदरसे में बड़ा धमाका हुआ था। तब मदरसे के इमाम अब्दुल सत्तार मोबीन की महज चंद मिनटों में ही मौत हो गई थी। मदरसे को भी काफी क्षति पहुंची थी। दूसरी ओर गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े हुए ब्लास्ट में एटीएस की टीम को भी बुला लिया गया। जांच में क्या कुछ निकलेगा यह तो बाद में पता चलेगा। जबकि मौके पर पहुंचे हथुआ SDPO नरेश कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि ब्लास्ट की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की, तो प्रथम दृष्टया पता चला है कि मोहम्मद हलीम मियां और उसका पुत्र अख्तर अली पटाखे का कारोबार करते हैं और वे पटाखे बनाते हैं। पटाखा बनाने के बाद स्टॉक करके वहां उसे रखे हुए थे। इसी बीच ब्लास्ट हो गया, जिससे पिता की मौत हो गई और पुत्र जख्मी हो गया। भले ही पुलिस वाले कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी के मन में सवाल तो उठते रहेंगे। आखिर कब तक पटाखे के नाम पर शहर दहलते रहेंगे?
लेकिन नाम नहीं बताने की शर्त पर पुलिस वाले यह भी कहते हैं कि पटाखा विस्फोट से इस तरह पूरा घर ध्वस्त हो जाए यह भी संभव नहीं है। बहरहाल एक बार फिर ब्लास्ट ने पुलिसिया सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं पुलिस इस एंगल से भी जांच शुरू कर चुकी है कि भागलपुर की तरह गोपालगंज का भी कोई टेरर कनेक्शन तो नहीं। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।